अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरे चैनल पे आप सभी का हार्टली वेलकम है। तो आजकल मैं ज़्यादातर वीडियोस डाल रही हूँ दुबई के। तो अगर आप दुबई आते हैं या फिर दुबई रहने के लिए आते हैं या फिर घूमने के लिए आते हैं तो मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल हो सकते हैं। आप कहाँ जा सकते हैं, दुबई में कहाँ घूम सकते हैं, कितनी प्राइसेस होती है, कहाँ जा सकते हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम यानी कि ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेम, जहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ से आपको बुर्ज खलीफा से लेकर आपको फ्रेम तक दिख रहा होगा। तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लगभग 3 बज रहे हैं और हम यहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए। तो मैं इसके बारे बता दूँ कि ये मॉर्निंग से ही चलता है, खुल जाता है, और इसकी जो टिकट की प्राइस है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल फ्रेम की तरह बनाया गया है, इसलिए इसका नाम फ्रेम दिया गया है, दुबई फ्रेम। और आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि इसके अंदर, मतलब ऐसा लग रहा है देखने से दूर से कि इसके अंदर क्या होगा, कैसी बिल्डिंग है या फिर कैसी इमारत है। तो चलिए वो सब कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। हम भी कन्फ्यूज थे कि इसके अंदर आखिर है क्या ऐसा जहाँ पर सब लोग इतने जाते हैं, इतनी मतलब भीड़ होती है। यहाँ पर भी यूरोपियन काफ़ी भीड़ होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग काफ़ी आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा देती हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बस एक इमारत सी खड़ी है, पतली सी, लंबी सी, ऊंची सी। तो अब इसके अंदर क्या है, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। और इसके अंदर ना एक स्कैरी वॉक यानी कि ग्लास से बनी हुई यहाँ पे आपको वे मिल जाती है जिसमें आप चल सकते हैं। नीचे से आपको ऊपर से नीचे देखने में ना काफ़ी डर लगता है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अब हम आ चुके हैं जबील पार्क, इसका नाम है। तो ये आपको यहाँ पे पार्क भी है, अगर कोई जॉगिंग पार्क भी है इसे। तो अगर आप कोई इस तरह से घूमने भी आते हैं ना सिंपली, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बैठ सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ अगर आप चिल आउट करना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। अब चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ आ चुके हैं दुबई फ्रेम। तो यहाँ आने के लिए आप बस या फिर टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से जाने के लिए ना आपको काफ़ी टैक्सीज मिल जाती है इजीली, तो इसकी टेंशन ना ले, बस आप आ जाए और उसके बाद अच्छी तरह से घूमें और उसके बाद जाए। तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना स्ट्रॉलर्स भी काफ़ी रखे हुए हैं। तो जो जो लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे वो सब यहाँ पे स्ट्रॉलर रख दिया गया है, क्योंकि अंदर स्ट्रॉलर लेकर जाना अलाउ नहीं है। सो यहाँ पे शामिर को काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि बाकी बच्चे भी इसके साथ खेलना चाह रहे थे। अब चलिए टिकट की बात करते हैं। तो ये है, देख सकते हैं, ये है टिकट की प्राइस। एडल्ट के लिए 52 रुपीज़ लगती है, 52 दरहम आपको लगती है पर पर्सन, ठीक है, एंट्री फ़ी। और उसके बाद यहाँ पे लाइन में लग जाना पड़ता है। तो लाइन लगने के टाइम ही हमें कह दिया गया था कि आपको 1 घंटे लग सकते हैं यहाँ पे आपको पहुँचने में। अब आप सोचो कि 1 घंटे आपको सिर्फ पहुँचने में लगेगा, तो इसलिए अब आपको पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप यहाँ आते हैं ना तो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखें, यहाँ अभी अच्छा मौसम है ना, यह ठंड का मौसम है, बहुत ही अच्छी वाली हवा चल रही थी, तो धूप में भी खड़े रहने में टेंशन नहीं हो रही है। वरना अगर गर्मी होती तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ भीड़ भी होती, क्योंकि खड़ा रहना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ मैं पास से दिखाने वाली हूँ, देखिए आप, अब हमारा टाइम आने लगा था क्योंकि हम यहाँ लगभग 1 घंटे से खड़े हैं और यहाँ इतनी ज़्यादा रश है, आप खुद देख ले। तो चलिए कोई नहीं, हमें इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि अब हम पास आते जा रहे थे, तो हम 3 बजे गए थे और इंटर होते होते लगभग 4 बज गया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, लगभग आप 1.5 घंटे में आप यहाँ पे घूम सकते हैं और घर जा सकते हैं। तो 4 से 5, 6 बजे तक आप यहाँ बिल्कुल घर जा सकते हैं। तो यहाँ मेरे को लगता है कि इतना ही टाइम काफ़ी है यहाँ पर घूमने के लिए। तो चलिए अब अंदर में कैसा है और क्या होता है इंटर होने के टाइम, मैं आप लोगों को वो सब दिखाने वाली हूँ। सो अब हम यहाँ पे इंटर होने लगे हैं। तो यहाँ पे इंटर इस तरीके से करते हैं, बस यहाँ पे आप चले जाएं और अंदर में ना अब क्या होगा, चलिए वहाँ भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी लाइन लगी हुई है, मतलब हर जगह लाइन ही लाइन लगी हुई है, मतलब हर चीज़ों के लिए। तो अगर आप आते हैं तो सच में यहाँ पे ना आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नंबर आ चुका था, तो आप यहाँ क्या करते हैं ना, जब लोग आप
अंदर करने मतलब एंटर होते हैं ना, तो सभी की यहाँ पे पिक्चर क्लिक होती है। तो हमारा पिक्चर क्लिक हो रहा है, ग्रीन ऐप को पीछे में दी गई है पर्दा। उसके बाद आपका फ़ोटो लेकर ना ये लोग बाद में आप लोगों को उसको अच्छी तरीके से ना फ्रेम के अंदर डालकर आपको वो सेल करेंगे। अगर आपको बाई करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ से अब हम एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के टाइम आपको अंदर में इस तरीके से दिखने वाली है। तो उस फ्रेम के अंदर हम जा चुके हैं, तो वो चलिए कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी नया था ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की, अरेबिक म्यूजिक्स। तो जो लोग मतलब यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं ना, उन लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है जिस तरीके से हम आए हैं। तो चलिए अंदर आप लोगों को लेकर चलते हैं। अब और अंदर चलते गए तो इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई थी, यहाँ के राइटर्स जो थे उनके कोट्स यहाँ पे लिखे गए थे। तो चलिए अब यहाँ पे एंटर करते हैं हम लिफ्ट में। तो जो इस फ्रेम की जो यहाँ पे थे ना वो बिल्डिंग, बस अब हम वहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जाएं आप, चलिए यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रही थी ना, तो मेरे कान बंद हो रहे थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऊँचाई में है, लगभग 150 मीटर ऊँचाई है इसकी। तो चलिए चलते जाएं, यहाँ देख सकते हैं हम जाते जा रहे हैं और हम काफ़ी ऊंचाई में आते जा रहे हैं। और तो और इस इमारत में आप जब चल जाते हैं ना, तो ऊपर से सारा का सारा शहर आपको दिख जाता है। ओल्ड दुबई से जो न्यू दुबई है, सारा कुछ आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ कौन से स्कैरी वॉक के बारे में बात करी थी। चलिए यहाँ से दिखा देते हैं। अब ये लोग इस तरीके से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सबको जाने में भी यहाँ से डर लग रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे ना ये देखें ग्लास की यहाँ पे रोड सी बनी हुई है, जहाँ से आपको नीचे से देखने में ना काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है। और चलने में पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे गिर जाएंगे। तो गिरेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी वाली ग्लास से बनी हुई है। तो चलिए यहाँ से नीचे दिखा देते हैं। अब सब लोग यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहे थे, इसलिए इस तरीके से दिख रही है। अब आप खुद से देखें, ये बहुत ही मतलब डर लग रहा था देखने में नीचे, और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। चलिए अब यहाँ पे देख लें। अभी शामिल को काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि आपका वो कहाँ पर आया है। सो इस इमारत से ना लगभग आपका पूरा शहर आपको दिख जाता है, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पूरा शहर तो शहर दिख रही है, और उसके आगे में ना आप देख सकते हैं वहाँ से समंदर भी दिख रहा है, जो कि देख सकते हैं आपको दिख रही होगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम काफ़ी ऊँचाई में थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना काफ़ी बिल्डिंग्स सिर्फ दिखती है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स है। यहाँ पे ग्रीनरी मुझे बहुत ही कम लगती है। चलिए ये देखें, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी दुबई के बुर्ज खलीफा या फिर होटल्स वगैरह, और यहाँ रोड काफ़ी रोडवेज
और हाईवे सारे कुछ दिख रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सनसेट का टाइम हो रहा है तो हर चीज़ें ना, जब भी आप घूमने जाओ तो सनसेट का टाइम काफ़ी अच्छा होता है, सारी चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। तो यहाँ ओवरऑल मुझे ठीक लगा। अगर आपके पास एक घंटे का टाइम है ना, यहाँ काफ़ी है, एक घंटे में आप काफ़ी कवर अप कर सकते हैं यहाँ अगर आते हैं तो चलिए, बस आपको लाइन ही जो लगना होता है ना, बस वही लेन दी है, बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अंदर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी घूम सकते हैं, अपने फैमिली से अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो यहाँ पे शामिर अपना मज़ा ले रहा है, वो डायरेक्ट लेट गया है। अगर आप बड़े हैं तो बिल्कुल ना लेटे, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटीज़ जो है वो लोग आपको लेटने नहीं दे सकते हैं। पर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट ये बच्चा था इसलिए इसको कोई टेंशन नहीं है। और मुझे ना डायरेक्ट इसमें चलने में पता नहीं क्यों इतनी डर लग रही थी, तो मैंने मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पर चल नहीं पा रही थी, मुझे ऊँचाई से काफ़ी डर लगता है। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब ऊपर से देखने में काफ़ी अजीब सा लग रहा था, मुझे सर चक्कर होते हैं इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। तो चलिए अब यहाँ से ना आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या खाने की चीज़ें हैं। तो यहाँ ना आप लोगों को ना कुछ समोसा चाय इस टाइप की चीज़ें नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे बस इन लोगों को पसंद आती है ना, जो खाने में जो पेस्ट्रीज़ होते हैं, डोनट्स होते हैं, चॉकलेट्स, केक होते हैं, वो सब यहाँ पर मिल रही थी, जो कि काफ़ी महंगी है। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी की भी प्राइस यहाँ पर अच्छी खासी 30-40 दिरहम आपको सिर्फ कॉफ़ी की लगती है। और ये चीज़ वाली जो डोनट्स है वो काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि शामिर को मतलब मन कर रहा था कुछ खाने को, तो उसके चलते हम लोगों ने ले लिया। तो हमें अच्छी खासी लग गई, क्योंकि 60 दिरहम में ना ओनली एक पेस्ट्री और एक कॉफ़ी आई, क्योंकि आप दुबई फ्रेम के अंदर खा रहे हो तो थोड़ी सी तो पे करना बनता है। तो चलिए अब यहाँ से जाने का टाइम हो रहा था, तो नीचे देख सकते हैं इसे नहीं जाने का मन कर रहा था, तो वो हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे समय बिताए। और यहाँ पे अंदर में आप देख सकते हैं इस तरीके की आपको मिल जाती है। तो बस ऊपर से और बाहर से देखने के टाइम आपको किस तरीके से लग रहा था इस फ्रेम के अंदर क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी इस वीडियो में आप जो ये फ्यूचर ऑफ दुबई ये ख़त्म हो चुका था। तो चलिए बाहर चलते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे ही निकलेंगे, यहाँ के जो एजेंट्स होते हैं वो आपको आपकी पिक्चर जो क्लिक हुई थी पहली बार, तो वो आपको यहाँ से सेल करेंगे। अगर आपको बाई करनी है तो आप बाई करें, वरना छोड़ दें। तो अंदर में म्यूज़ियम में मिल जाती है आपको इस तरीके, या फिर शॉप कह लें आप। तो यहाँ पे बहुत ही तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी जो दुबई फ्रेम से रिलेटेड थी। तो फ्रेम्स थी, की रिंग थी, या फिर मग्स थे, कॉफ़ी मग, या फिर आपको टी शर्ट लेनी है, या फिर मेमोरीज़ के लिए कुछ भी लेना है ना, आप बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। बट काफ़ी कॉस्टली है, बिकॉज़ यहाँ पर ना 100 दिरहम से तो स्टार्टिंग प्राइस मुझे लग रही थी, क्योंकि टी शर्ट हमने जब सोचा कि ले लें तो टी शर्ट की भी प्राइस यहाँ पे 100 दिरहम थी, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए हमने नहीं लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना फ्रेम बाय कर लिया था।
तो चलिए यहाँ से ना अब हमने बाय कर लिया है, तो आपको बस यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं। और अगर आपको अपने फैमिली के लिए कुछ लेकर जाना है तो आप यहाँ से बिल्कुल बाय करके दे सकते हैं उन्हें। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं काफ़ी कुछ लाने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या फिर पसंद आती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। चलिए अब यहाँ बाहर निकलने का टाइम हो गया था, लगभग 6 बज रहे हैं, और यहाँ पे इस तरीके की गाड़ियाँ होती है जहाँ पे आप घूम सकते हैं उसमें बैठकर। तो अब हमारे जाने का टाइम हो गया था, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।